ये है जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स हिंदी 2019 का एंट्रेंस पेपर। इसमें कुल मिला के 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, जिसमें 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे जिसमें आपको टिक करना होगा। इसके अलावा 60 नंबर के सब्जेक्टिव होंगे जिसके आपको उत्तर लिखने होंगे, जिनमें से 10-10 नंबर के 6 नंबर होंगे। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो इनका हमने उत्तर लगा दिए हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जिसका उत्तर है 14 सितंबर। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, 352। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है, त्यागपत्र। गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस नाम से किया, एकांतवासी योगी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828। रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सोपान हैं, 7। इनमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है, आत्मजयी। इनमें से राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा, रंगभूमि। अंधेरे में कविता में किसका प्रयोग हुआ है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या कांड है, 69 खंड है। अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है, मोहन राकेश। शिव शंभु का चिट्ठा की रचयिता कौन है, बाल कुमुंद गुप्त। अश्व का पर्यायवाची है आओ रानी हम ढोए पालकी नामक कविता किस कवि की है, नागार्जुन। काव्य प्रकाश की रचना किसने की, मम्मट। आठवां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है, सुरेंद्र वर्मा। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है, भूषण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन शुक्ल युग का निबंधकार है, बाबू गुलाब राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य थे। खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, अमीर खुसरो। किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है, व्यंजना। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 33। वल्लभाचार्य का शिष्य इनमें से कौन है, कुंभन दास। अंधा युग किस विधा की पुस्तक है, नाटक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा 1929 में। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी। महादेवी वर्मा को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। असाध्य वीणा नामक कविता की रचयिता कवि कौन है, अज्ञेय। कौन सा कवि दूसरे सप्तक का है, धर्मवीर भारती।